हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों चलो आज फिर से हम वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेब एक्सेसिबिलिटी क्या है? वेब एक्सेसिबिलिटी तो वेब एक्सेसिबिलिटी होती है, आपको पता ही है। अभी हम HTML के बारे में बात करें, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि जब आप पावर का निशान लगाते हैं 2 to the power 4 या कुछ, तो वो पावर का निशान 2 और 4 से ऊपर आता है। इसी तरह ब्रेल में भी आप कहीं भी देखो तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा अबव मिलेगी, जो इसकी पावर और जितनी पावर दे रहे हैं उन दोनों के अबव। यही होता है सुपर स्क्रिप्ट। मैंने आपको कल उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। चलिए अभी करते हैं। सबसे पहले आप विंडो की प्रेस करो, नोट पैड लिखो, यहाँ नोट पैड सर्च करते ही मिल जाएगा। एंटर करो, टाइटल चेक कर लो, नोटपैड का टाइटल नोटपैड आएगा। नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड ही कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा देंगे? लेस, शिफ्ट कॉमा, बैन, शिफ्ट वन, डॉक टाइप, docty, क्या हुआ? लेस एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप, स्पेस, HTML ग्रेटर। ये कौन सा टैग है? ये सिंगल एंडेड टैग है, ठीक है, जो एंड नहीं करना है। एंटर या लेस बी आर ग्रेटर कर लो, लेस HTML ग्रेटर, दो टैग यूज कर लिए। तीसरा लेस हेड ग्रेटर, चौथा लेस टाइटल ग्रेटर। लाइट टाइटल दे दो, यहाँ कैलकुलेशन टाइटल दे देते हैं फॉर एन एग्जांपल। लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, फिर लेस स्लैश हेड ग्रेटर टाइटल के बाद, फिर लेस बॉडी ग्रेटर। बॉडी में आपको वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दो, दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिकल इंफॉर्मेशन, वी कैन लर्न हाउ टू लर्न पावर कैलकुलेशन, या कुछ भी आप जो भी लेना चाहते हो वो दे दो, दो चार लाइन, ठीक है। मान लो आप हेडिंग का यूज़ करना चाहते हो, हेडिंग कर लो पैराग्राफ का, ये तो लेस पी ग्रेटर, कोई हेडिंग तो है आपको पता है एच रहेगा हेडिंग का सिंबल। अब मान लो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वी टुक हियर 2 to the power, ऐसे लिखते हैं वी टुक हियर 2 to the power 4। तब ये जो 2 to the power है तो 2 to the power, तो यानी 2 पहले लिखेंगे तो है ना ये लिखेंगे लेस SUP पाइन एप्पल वाला पी ग्रेटर, और 2 to the power को आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको 4 लिखना है तो वो जो है 4 2 के सामने आएगा और बीच में पावर आएगी, तो 4 फिर लेस स्लैश SUP ग्रेटर, तो ये हुआ 2 to the power 4, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो 2 to the power क्या आएगा, ये 2 और 4 के बीच में आएगा। इसी तरह आपको कहीं पे मान लीजिए लिखना है 12 की पावर लिखनी है, 24 लिखनी है, जितनी भी होती है, कितनी होती है 12 की पावर कितनी होगी, 24 होगी, नो 12 की पावर कितनी होगी, 144 होगी, ये तो आपको पता ही होगा। जो 12 की पावर कितनी होगी, 144 या 24 जितनी भी है। बहरहाल फिर हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, फिर लेस SUP, और जिस 12 की पावर लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर जितना लिखेंगे कितनी है आपको पता होगा, 12 की पावर अगर 24 है तो 24 लिखेंगे, फिर लेस स्लैश SUP ग्रेटर, और अगर 144 होती है आपके हिसाब से तो लेस स्लैश SUP ग्रेटर, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, और कंप्यूटर में भी क्या HTML। तो जहां भी पावर का यूज करना है तो लेस SUP, जिसकी पावर देनी है उसको हम लिखेंगे इस साइन के अंदर, इस कोड के अंदर, और फिर लेस स्लैश एस यू पी ग्रेटर। जहां जहां आप पावर का यूज करेंगे, आप किसका टैग, किस टैग का यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग, किसका इसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का।
अगर आपने पैराग्राफ टैग दिया है तो उसको क्लोज करो, या हेडिंग टैग था तो हेडिंग टैग तो वो हेडिंग देने के बाद ही क्लोज करना पड़ता है। बहरहाल लास्ट में लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर लेस एचटीएमएल ग्रेटर कंट्रोल एस करो, फाइल का नेम कोट में दो विद एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल करके, ठीक है, टैप करो, फिर ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर लो, फिर आप ट्री व्यू पर जाके लोकेशन दे दो। फाइल अगर खुली हो तो ऑल्ट F4 करके, मतलब ऑल्ट एस करके सेव बटन पे ऑल्ट एस करके एंटर कर दो, किसी फोल्डर में चाहते फोल्डर में सेव करो। ट्री व्यू पर लोकेशन दे के आइटम व्यू लिस्ट से फोल्डर ले लो, टैप टेस्ट सब करना है, फिर आपको सेव बटन पे ऑल्ट एस से एंटर कर दो जाके। फिर उसके बाद फाइल अगर खुली हो, अब सुनो, फाइल खुली हो तो ऑल्ट F4 करके क्लोज कर दो, जहाँ भी आपने सेव किया है उस फाइल पे जाओ, एंटर करो, अगर नोटपैड में खुलती है तो ऑल्ट F4 करो फिर से, उस फाइल पे अपना कर्सर रख के एप्लीकेशन की शिफ्ट F10 प्रेस कर दो, शिफ्ट F10 कर दो, ये एप्लीकेशन की है, यूएसबी कीबोर्ड है तो फिर वो शिफ्ट F10 करके एप्लीकेशन की मिल जाएगी, वहाँ पे एप्लीकेशन की कर लो, वहाँ पे दिखाएगा ओपन विद नोटपैड तो आता ही है, और क्रोम होगा, जो जो ब्राउज़र है सबके नाम दिखाएगा, तो ओपन विद क्रोम करो, फिर वहाँ चेक करो जहाँ पे आपने पावर का यूज़ किया है वो सभी सुपर स्क्रिप्ट होगा, क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब हम मंडे को पढ़ेंगे हाउ इज़ द वॉट इज़ द वेब पेज स्ट्रक्चर, ये पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे को।